नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले में भूस्खलन के चलते पर्यटकों की वाहन पर गिरी चट्टाने, 9 लोगों की मौत। हंगरी में आयोजित वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की स्टार महिला रेसलर प्रिया मल्लिक ने रचा इतिहास, जीता गोल्ड मेडल। गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी के चंपासरी स्थित कृष्णा गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापेमारी कर देह व्यापार चलाने के आरोप में 9 लोगों को किया गिरफ्तार, आज अदालत में हुई पेशी। नौकरी दिलाने के नाम पर युवक युवती से रुपए ऐठने के आरोप में सिलीगुड़ी थाना पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, आज अदालत में किए गए पेश। विधाननगर में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता विश्वजीत सरकार के घर में पुलिस ने छापामारी कर लगभग 40 लाख रुपए की मिलावटी शराब बनाने के उपकरण किया बरामद। राजगंज विधानसभा क्षेत्र के झकुआपाड़ा इलाके में एक प्रेमी युगल का फंदे से झूलता शव बरामद, जांच में जुटी जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना पुलिस। माटीगाड़ा थाना पुलिस ने एशियन हाईवे पर तस्करी के राशन के चावल से भरा एक ट्रक को किया जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। एनजीपी रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न रेलवे स्टेशन पर बांग्ला भाषा में लिखे जाने की मांग में ए प्रजन्म नामक संस्था की तरफ से आज एनजीपी रेलवे स्टेशन पर अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। जलपाईगुड़ी में एक गैर सरकारी सीमेंट फैक्ट्री से एक श्रमिक का फंदे से झूलता शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी के संतोषी नगर में नव युवक वृंद क्लब की तरफ से साथ ही सिलीगुड़ी तराई लायंस ब्लड सेंटर के सहयोग से आज रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। एनजीपी पुलिस ने फुलवाड़ी स्थित एक होटल में अभियान चलाकर देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ थीम के साथ एसएसबी की 19वीं बटालियन की तरफ से आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, 2000 पौधे लगाए गए। रक्त की संकट से जूझ रही खोरीबाड़ी ब्लॉक अंतर्गत इलाके की रहने वाली एक महिला की मदद के लिए भाजपा के 2 नेता आए सामने, किया रक्तदान। धूपगुड़ी नगर पालिका के 14 नंबर वार्ड में आज द्वारे वैक्सीन शिविर का हुआ आयोजन, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का किया गया टीकाकरण। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा के तहत राजगंज में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में मां की रसोई कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, 5 रुपए में अब जरूरतमंदों को मिलेंगे भोजन। राज्य सरकार द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं से अब भी वंचित धरनीपुर चाय बागान के लोग जूझ रहे जल निकासी, कच्ची सड़क सहित विभिन्न समस्याओं से। जयगांव में आज जयगांव पुलिस की तरफ से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। उत्तर बंग संस्कृति रक्षा मंच के तत्वाधान में साथी हिंदू जागरण मंच की तरफ से आज राजगंज में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। अलीपुर द्वार के दलसिंहपाड़ा में गोरखा जनजाति के दमाई कामी सारकी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पूरी न होने पर वृहद आंदोलन की दी गई धमकी। गतखोला नवीन संघ की 67वीं वर्षगांठ के मौके पर साथी दिवंगत क्लब के सदस्यों की याद में आज रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। कालचीनी के दलसिंहपाड़ा में अन्य पार्टियों को छोड़ कई समर्थकों ने थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन। रैपिड टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।